में 20 लाख रुपए के एंटी लार्वा खरीद घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकला। आपदा में निजी अफसर तलाशने के बहुत चर्चित मामले में डीएम ने करीब एक सप्ताह में जांच पूरी होने की उम्मीद जताई है। पूरा मामला संभल जनपद के बरवाला नगर पंचायत में तब का है जब पूरा जनपद कोरोना से झुलस रहा था। इस बीच बरवाला की चेयरमैन सुषमा यादव ने नगर पंचायत में करीब 20 लाख के घोटाले का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। आरोप के अनुसार तत्कालीन योशिवलाल राम ने बगैर मार्ग प्राप्त किए 20 लाख की एंटी लार्वा दवाइयों की खरीद दिखाते हुए 20 लाख का फर्जी पेमेंट करने की कोशिश की। डीएम ने मामले की जांच एडीएम को सौंपी थी। पूरा मामला समझने को बताना जरूरी है कि चेयरमैन के अनुसार 2019 से 2021 तक कुल दो बार में करीब 14 लाख की दवाई खरीदी गई, जिसे ईओ ने तीन बार में 34 लाख का बना दिया। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि एडीएम जांच कर रहे हैं, जिसका परिणाम 8 से 10 दिन में आ जाएगा। अब देखना यह है कि इस मामले में किस किस की गर्दन नपती है। अलबत्ता इस बहुचर्चित मामले पर लोगों की नजर लगी हुई है। सर, संभल के बबराला का एक मामला था जहाँ पे आरोप था कि ईओ ने 34 लाख रुपए का माल खरीद लिया जो दवाइयाँ छिड़कने के लिए, और खरीदी 14 लाख की गई थी, उसमें जांच हुई, क्या हुआ इसका? उसकी जांच सौंपी गई है हमारे अपर जिलाधिकारी को। जांच जैसी फाइनल हो जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा, 3-4 महीने का टाइम हो गया। हाँ, जाँच थोड़ी लंबी चल रही है, लेकिन इसको 1 सप्ताह 10 दिन में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे।